हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें अलमाती में स्पाइस मंत्रा कुछ इंडियन खाने का मन था तो आया हूँ यहाँ पर। काफ़ी लोगों से इसके रिव्यू सुने, लोगों ने बताया कि मतलब काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। तो भाई मेन्यू में रॉयल थाली वेज है, नॉन वेज है, प्लेटर है, तो मतलब काफ़ी वेराइटीज़ हैं इनके पास। हर एक तरीके का खाना खाने को आपके यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो प्राइस आप देख रहे हो टेंगे में है, तो इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये देखो, ये रेस्टोरेंट देखो, काफ़ी छोटा सा ही रेस्टोरेंट है, ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट भी नहीं है। ये देखो पीछे तक बस दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इनके मेन्यू में क्या क्या है, क्योंकि मैंने एक थाली तो ऑर्डर कर दी है, रॉयल वेज थाली 4500 टेंगे की। आगे देखते हैं और क्या क्या है इनके पास। ये हो गई सैलड्स, यहाँ पर वेराइटीज़ की सैलड्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। और ये है पकौड़ाज, लाइक सॉर्ट ऑफ स्टार्टर्स। और ये देखो पनीर टिक्का भी है, समोसे एंड एवरीथिंग। ये नॉन वेज में आ गई वेराइटीज़। ये देखो यहाँ पे इनके साथ साथ इनके प्राइसेस भी मेंशन है, तो इसको डिवाइड कर लेना 5.5 से। और ये यहाँ पर भी आप नॉन वेज में है वेराइटी, और इसमें यहाँ पर है ये मेन कोर्स। अगर आप अलग से कुछ ग्रेवी ऑर्डर करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं इनके पास यार। वो वेजिटेरियन था लास्ट वाला, ये सारा नॉन वेज में है। देखो मेनली चिकन है इसमें। और ये क्या है, ये यहाँ पे सारा जो पूरा है, लेफ्ट साइड में ये लैम्ब है और राइट साइड में जो है फिश करी, ये सारा सी फूड का है। आगे देखते हैं क्या है ये वाला सेक्शन। यार बीफ में है, तो बीफ तो मैंने खाना नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। ये राइट साइड पे है राइस, और ये बिरयानी वगैरह आ गई है, एंड ये चपाती विद बटर, अलग से ब्रेड्स का सेक्शन। और ये नीचे नूडल्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, चाइनीज़ भी है। यहाँ पे रायता वगैरह है और डेजर्ट्स भी है, दैट्स ऑल। तो भाई मैंने ऑर्डर करी है थाली। सो दोस्तों, थाली में चार आपको सब्ज़ी मिलेंगी, एक डेजर्ट है गुलाब जामुन, और सैलड है, मीठी लस्सी भी है, राइस भी है और रोटी है। तो सब्ज़ी पहली जो है ये मटर पनीर की है, दूसरी शाही पनीर, फिर दाल, और चौथी मिक्स वेज। तो यार खाना तो मैंने खा लिया, खाने का रिव्यू तो अच्छा था। यहाँ पे अगर इंडियन खाना खाना हो तो स्पाइस मंत्रा पे आप आके खा सकते हो। ये देखो ये यहाँ का है रेलवे स्टेशन, क्योंकि अब मेरे को तुर्किस्तान के लिए निकलना है, और ये हल्की हल्की स्नो भी पड़ रही है। तो वहाँ से मैंने हॉस्टल गया, बैग उठाया, और फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर। हल्का हल्का सा स्नो है, और ये देखो ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, ब्लैक वाली मूवी की तरह। मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो भाई चलो चलते हैं, एक बार देखते हैं आसपास में कैसा क्या एनवायरनमेंट है। सो फाइनली आई गॉट द चांस लाइव स्नोफॉल देखने का। एंड यार यहाँ पे ना पूरा यूरोप वाला फील है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है स्नोफॉल, आगे तो और हालात होंगे ही। सी तेरा ट्रेन स्टेशन पीछे, ठंड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे स्नो पड़ता जा रहा है ना। सो यार अब ट्रेन तो 9:30 की है, और मैं यहाँ पर 8 ही आ गया, क्योंकि किसी अनजान शहर में मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं लेट पहुँचूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक मिल सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए मैं टाइम से यहाँ पर आकर पहुँच गया। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अपना जेन्युइन फीडबैक दूँ, अलमाती बहुत ही अच्छी जगह है। आज मैं 5 के बाद भी मेरा मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। बट आगे लिस्ट में मेरे पास तुर्किस्तान भी है, सो दैट्स वाई मुझे जाना पड़ेगा। कोशिश करूँगा मैं रिटर्न में जब वापस आऊँ तो एक दिन अलमाती के लिए वहाँ से बचा कर लाऊँ, ताकि मैं एक दिन और यहाँ पे स्पेंड कर सकूँ, कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकूँ। तो चलो यार चलते हैं अंदर अपनी ट्रेन पकड़ने, लेट्स सी। तो गाइस आ गए हैं ट्रेन के अंदर, ये देखो सारी स्लीपर है। ये देखो ऊपर जो है वो सामान रखने की जगह है, तो यहाँ पे नीचे बैठने की जगह है, और इसको आप लेटा के, इसको मतलब फ्लैट करके लेट भी सकते हो। तो ट्रेन सिस्टम ठीक है, लोकल ट्रेन है यहाँ की, थोड़ा ठीक ठाक ही है ट्रेन सिस्टम जो इनका है। चलो बाकी अब अंदर चल के देखते हैं क्या है। ये सारे स्लीपर है, ये इनके साथ ही कुशन्स वगैरह मिल रहे हैं।
सो भाई ट्रेन में आ चुके हैं, तुर्किस्तान जाना है, रात की ट्रेन है, 9:50 पे चलेगी और सुबह सुबह तो क्या दिन में पहुंचाएगी वहाँ पर 3:30 बजे, बहुत लंबी जर्नी है। तो ये ट्रेन की सीट है, स्लीपर सीट, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6,500 टेंगे में बुक किया, तो इसका मतलब आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1500। तो चलो अभी तो पहले ऊपर ये लगेज रखने का, यहाँ पे लगेज रखता हूँ और तैयारी करते हैं सफ़र की। ये सारे पैसेंजर्स आ गए हैं, ये मेरे साइड वाले भाई साहब भी आए हैं अपना सामान वामान लेकर। ये देखो इनके पिलो के कवर्स और ये ब्लैंकेट्स और सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे पैक होकर ही प्रॉपर देते हैं, और इसके साथ साथ बेडशीट भी है, आप बिछा भी सकते हो और ऊपर डालने के लिए भी बेडशीट दी हुई है ताकि आपको ठंड लगे। तो ये भाई साहब पता नहीं क्या निकाल रहा है यार, ये देखो इसने ऊपर अपना सामान रखा हुआ है, ठीक है, और सामने वो जो लड़की बैठी हुई है उसने अपना लेटी हुई है उसने अपना सामान मेरे उस पे कैबिन के ऊपर रख दिया, उसके वहाँ पे स्पेस नहीं था। सो दोस्तों आज की जर्नी यही समाप्त और अब है सोने का समय, तो चलो चलते हैं यार सोने, कल फिर आपसे मिलूंगा सुबह मैं तुर्किस्तान की जर्नी अपनी शेयर करते हुए और आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो ताकि आपके लिए इजी रहे। तो गुड नाइट गाइस, टेक केयर।